सो मेरे भाई लोगों यार, पहले तो प्रीव्यू देखो यार। दो प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाए हुए हैं दोनों वीडियो। मतलब ये एक तो मैंने वैसे बनाया था पहले, और एक ये बाद में बनाया है मैंने। तो आप प्रीव्यू तो देख लिया होगा आपने। तो पहले तो अपने फ़ोन को भाई थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर लो, जैसे मतलब उसको बड़े पर्दे में करते हैं जो भी बोलते हैं। उसके बाद अब आप देख ही सकते हो कि मेरे को भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, भाई सिस्टम है भाई इंस्टाग्राम आईडी का नाम, और इन्होंने बोला था भाई ऐसी वीडियो कैसे बनाएं सेम ऐसी ही। वैसे मैंने एक और वीडियो ऐसी बना रखी ही थी ट्वीट पर, लेकिन इसमें जो थी स्ट्रिप का इफेक्ट जो था इसमें वो काफ़ी ज़्यादा लाइट था, मैंने नोटिस किया। और इस पर भाई लाइक भी देख ही सकते हो कितने ज़्यादा लाइक हैं यहाँ पर। तो भाई देख ही सकते हो कितने ज़्यादा लाइक है, 5,12,000 लाइक हैं इस पर। और मैं इनका भाई अकाउंट भी खोल के दिखा देता हूँ। भाई ज़्यादा पुराना नहीं, भाई नया ही अकाउंट है, लगभग 1 या 2 महीने काम किया हुआ है इन्होंने इस पर। और इनके फॉलोवर देखो और व्यूज़ देखो भाई, 37,000, 38,000, 2,00,000। ओ भाई साहब क्या भाई गज़ब के भाई कमाल के व्यूज़ हैं। और इस पर और इनके फॉलोवर भी 15,800 हैं, ज़्यादा वर्क नहीं किया इस पर। तो अगर आप भी कुछ सेम इसी तरीके से वर्क करके कुछ इस टाइप का ट्यूटोरियल वीडियो बनाओगे तो आपके भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं। तो प्लीज़ यार आज ये मैं हिस्ट्री बना रहा हूँ कि नहीं यार, हिस्ट्री अपन लोग सब्सक्राइब को नहीं बोलेंगे, वो बाद में बात होएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पिक्सल ऐप में आ जाना है, इसका एक PNG भी हमको क्रिएट करना होगा। मतलब देखो जैसे ये क्रिएट हुआ है ना, सेम इसी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जैसे आप पिक्सल ऐप ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है डिफ़ॉल्ट वाला। अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है, यहाँ से पहले आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा भाई लोगों। तो शेप्स को सेलेक्ट करेंगे और इसके कॉर्नर को कर लेंगे एडजस्ट। जितना बड़ा ट्वीट आप रखना चाहते हो अपनी शायरी के अकॉर्डिंग, इसको एडजस्ट कर लेना। अब देखो रेडियस का मतलब होता है इसके कोने जो हैं उनकी गोलाई, आप अपनी मर्ज़ी से कर लेना जितने चाहो। तो यहाँ पे आप 10 मिनिमम 10 और मैक्सिमम भाई आपकी मर्ज़ी, आप गोल भी रख सकते हो उसको। और इसका कलर कर लेना चूज़, क्योंकि भाई यहाँ पे ब्लैक ही रखना पड़ेगा क्योंकि हम अलग थोड़ा वैसा बना रहे हैं जैसा भाई बंदे ने बोला है हमको, सिस्टम भाई ने, मतलब उनका नाम सर जो भी हो हम सिस्टम ही बोलेंगे आगे इस वीडियो में, तो उनके लिए हम ऐसे ही बनाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी शायरी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो आप लिख रहे हो, और ओके पर कर देना है क्लिक। और इसकी लेंथ को कर लेंगे यहाँ से एडजस्ट, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ आपको सेम इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ला के इसको कर देंगे पेस्ट। अब आप चाहो तो इसमें फ़ंट भी चेंज कर सकते हो, इसमें कोई एक्सटर्नल फ़ंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ए बी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से माई फंड में जाएंगे, तो आपकी मर्ज़ी है कोई भी फंड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे अलग से फंड एडिशनल फंड, क्योंकि बंदों को यार दिक्कत होती है फंड वगैरह डाउनलोड करने में। वैसे जो मतलब ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जो वायरल चल रही हैं, वो सिंपल फंड की ही चल रही हैं। तो आप ये वाला फंड यूज़ कर लेना एरियल, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, बहुत ज़्यादा बंदे इसको यूज़ करते हैं अपने ट्वीट वगैरह में, शायरी वगैरह में, क्योंकि भाई ये थोड़ा लाइट और अच्छा सा लगता है। आप देख ही सकते हो ये आपको पिक्सल लैब में पहले ही इंपोर्ट हुआ मिल जाएगा जो ऐप की तरफ से आते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक भाई फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, जो आपके भाई इंस्टाग्राम के अकाउंट की DP है ना, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है भाई। जो मेरे की लगा हुई है लगभग, वो मैंने 2-2.5 महीना पहले लगाई थी, लेकिन अब मेरे को मिली नहीं रही कहाँ पे। मानो चलो मेरे की ये है DP, तो इसको इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 1:1 पर पहले क्लिक करना है, 1:1 पर क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेना। और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्किल पर, भाई ये कैसे रह गया यहाँ पे, एक मिनट, क्रॉप पे दोबारा क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे क्रॉप पर क्लिक करेंगे और इधर जो आपको ये सर्कल देखने को मिल रहा है इस पर कर देंगे क्लिक। देखो ये रहा भाई सर्कल, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, देख ही सकते हो। अब इसका साइज़ छोटा करके इसको ऊपर एडजस्ट कर देंगे जहाँ हमको लगाना है, तो हमको यहाँ पर लगाना है क्योंकि ट्वीट में भाई इधर ही लगा हुआ होता है, तो इधर लगा देंगे। और इसके बाद इसको कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे न्यू टेक्स्ट पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने एक नाम तो वैसे लिख लेना है अपना, जो भाई उसका नाम होता है इंस्टाग्राम का, और एक आपको हैंडल लिखना है। हैंडल तो आप समझ रहे होगे ना, इंस्टाग्राम का हैंडल वो होता है जैसे लिखा रहता है ना @JJBrother/_roots_co/, वो जो होता है उसका। लेकिन पहले आपको नाम लिख लेना है सिंपली, जो आपका यूज़र नेम नहीं, ये वैसे नाम जो होता है इंस्टाग्राम पर आपका। तो मैं इसको भाई एक मिनट, हम इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ऊपर करेंगे। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से थोड़ा ऊपर करके इसको एडजस्ट कर लेना है क्योंकि नीचे भी हम यहाँ पे नाम लिखने वाले हैं भाई लोगों। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, स्पेसिंग पर क्लिक करना है और स्पेसिंग को कर लेना भाई जितना आप करना चाहो। तो चलो हम यहाँ पे 20 से 26 तक जितना आप रखना चाहो रख सकते हो, और इसको थोड़ा ऊपर करके एडजस्ट कर लेंगे। अब आपको अपना यूज़र नेम यहाँ पे लिखना है, इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है भाई लोगों। तो मेरे का है भाई @JJ_brother69। तो आपका जो भी है भाई, मतलब उनका सिस्टम भाई ने यही भेजा था,
मतलब कि उनका जो भी है वो लिख लेना, जैसे आपका एट द रेट सोहिल, सोहिल राजपूत चौधरी, जो भी आपका लिख लेना वो, तो उसके बाद आप इसको कर लेंगे एडजस्ट, इसका साइज छोटा कर लेंगे। आप चाहो तो इसका फंट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेकिन कुछ खास नीड है नहीं फंट चेंज करने की। चलो हम फिर भी कर लेते हैं यहाँ पे, तो ए बी जी रेगुलर हमने जो सबसे शुरू में होता है वही वाला कर लिया है। नॉर्मली मैंने कहा था ना इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आपको एक न्यू टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको ये डॉट जो दिख रही है ना, तीन डॉट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इस टाइप से। तो अब आप पहले एक मिनट, ये ऊपर से आएगा नहीं, तो मैंने साइज़ बढ़ा लिया है इसका। अब इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, इनका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, एक मिनट हाँ इतना कर लेते हैं। और उसके बाद आपको इसको नीचे लेकर आ जाना है भाई लोगों, तो नीचे क्यों नहीं आ रहा भाई, और छोटा कर लेते हैं थोड़ा नीचे, भाई अटक गया, एक मिनट भाई। तो आपको ये दिक्कत होगा ना, मतलब जब कोई ज़्यादा छोटा फंट होता है या कोई ज़्यादा छोटा लिखा हुआ होता है, तो वो जल्दी से मतलब वहाँ से अपनी जगह से मूव करते नहीं। अब देखो ये यहाँ पे अटक गया, पता नहीं क्या हो गया भाई, क्यों भाई क्यों वीडियो को बड़ा कर रहा है भाई। हाँ तो चलो देखो फाइनल यहाँ पे ये हो चुका है, मैंने कर लिया इसको एडजस्ट। ऐसे ही बिल्कुल प्रोफेशनल बताऊँगा भाई, जैसा सिस्टम भाई ने कहा था कि सेम ऐसा ही, तो सेम ऐसा ही बनेगा भाई। हमारे सब्सक्राइबर ने बोला है सेम ऐसा ही, तो ऐसा ही बनेगा। उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंट इसका फोटो को आप एडजस्ट कर लेना इस तरीके से, मैंने कर लिया एडजस्ट। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पर कर देंगे क्लिक, और इसको कर लेंगे यहाँ से सेव। अब यहाँ से सेव इमेज कह रहा हूँ भाई, इमेज कर लेंगे। इसको अल्ट्रा कर लेना आप भी, तो अल्ट्रा करके हमने कर लिया यहाँ से फाइनली सेव। अब आपको आ जाना है यहाँ पे अलाइट मोशन में भाई लोगों, अलाइट मोशन विदाउट वाटरमार्क प्रीमियम वर्जन, सारे ऐप अनलॉक हैं उसके, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, टेलीग्राम पर ही वो मिलेगा अलाइट मोशन का। लाइट मोशन यहाँ पे नहीं दे सकते भाई, यहाँ पे स्ट्राइक आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, और चैनल भी उड़ जाता है कभी कभी जब स्ट्राइक देता है तो। अब उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में आ जाना है, मतलब आपको एक XML की ज़रूरत होगी जिसका नाम है वायरल ट्वीट्स वीडियो XML एट द रेट टैक विद जैक। इस XML का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से सुनो, अगर आपसे ये XML डाउनलोड ना हो या पिक्सल लैब में ऐड ना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो का लिंक मिलेगा कि लिंक से XML कैसे डाउनलोड करें और इम्पोर्ट कैसे करें अलाइट मोशन में। लिंक से XML कैसे डाउनलोड करें और इम्पोर्ट कैसे करें अलाइट मोशन में, दो बार बोल दिया हूँ भाई, वहीं से उस वीडियो को देख लेना, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद नाइरेशन 16 कर लेंगे, और अपना प्रोजेक्ट को यहाँ पे फाइनली कर लेंगे सेलेक्ट। भाई गले में थोड़ी दिक्कत से चलिए, तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे भाई, डाउनलोड की हुई है, आप कहीं से भी इनको यूज़ कर सकते हो, जो इंस्टाग्राम पा सकते हैं वो यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप भाई जो मतलब शॉर्ट से नहीं भाई, इंस्टाग्राम रील पे से ही ये मैंने डाउनलोड किया है। एक बार और इसको सही से एडजस्ट करने के लिए ऊपर क्लिक करेंगे थ्री डॉट, और फिल कंपोजिशन एरिया कर देंगे। वैसे ये फिल कंपोजिशन एरिया ऑलरेडी हो चुके है, मतलब सही तरीके से ऐड हो चुकी है। अब देखो ये मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ की है, क्योंकि इसमें पहले इफेक्ट वगैरह वैसे जो मतलब शेक इफेक्ट जो है वो लगे हुए हैं इसमें। अगर आप चाहो कि शेक इफेक्ट के ऊपर ट्यूटोरियल लाओ, कि जैसे ये इसमें ब्लर वाला इफेक्ट लगा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना कि भाई ब्लर इफेक्ट पर ट्यूटोरियल लेकर आओ, तो मैं बना दूंगा। उसके बाद हमने वीडियो कर लिया सेलेक्ट, उसके बाद आपको ऊपर थ्री डॉट पर करना है क्लिक। यहाँ से एक आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, मतलब राउंडेड रेक्टेंगल को, और इसको फुल कर देना है, फुल बिल्कुल बढ़ा देना है। उसके बाद अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको करना है इस पर क्लिक, इस ऑप्शन पर, ये रहा कलर एंड फिल। अब देखो यार मेरा वीडियो बड़ा तो हो जाता है, लेकिन मैं काफ़ी डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से पिंक कलर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे से ऊपर को, सेकंड ऑप्शन, इस पर क्लिक करके ये जो इसकी लाइन है इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, जहाँ पे आपको ये नंबर दिख रहा है ना, जहाँ पे भाई एक मिनट, जहाँ पर ये आपको 67DD6400 दिख रहा है, तो यहाँ पर जब तक 50 या 50 से कम नहीं आ जाता हम इतना कर लेंगे यहाँ पे। तो एक मिनट, हम यहाँ पे 56 हो गया, 55 और हो भाई, हमको यहाँ पे 15 कर ले रहे हैं यहाँ पे, आप भी यार 50 ही कर लेना। उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी लेंथ कम है तो इसकी लेंथ देखो कैसे बढ़ाएंगे, हम इधर क्लिक करेंगे जहाँ ये आँख सी छपी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे इधर, और ये वाला ऑप्शन आ जाएगा सेकंड वाला, भाई एक मिनट, ये रहा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो मैं काफ़ी यार आपको सही से बता रहा हूँ कि आपकी समझ में आ जाए, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप खुद ही मैं बना ली वीडियो और बंदे को समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको कंट्रास्ट पर कर देना है क्लिक। भाई कहाँ से होता है वो मैं भूल भी गया, काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे, तो शायद यहाँ से डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे भाई, अरे नहीं 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 भाई, ये गलती हो गया मेरे से, यहाँ से नहीं होगा, ये यहाँ से नहीं होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। आपको भाई जाना है डार्कन में, तो जाना ही नहीं है डार्कन में, नहीं जाना भाई, आपको जाना है भाई कंट्रास्ट में। हाँ भाई ये रहा, कंट्रास्ट में आ जाना है, और आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, देखो दोबारा बताता हूँ सही से, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर गए, और फिर आए कंट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट या जो भी बोलो इसको, ये रहा भाई
ये जो है ये यही लहरा यही। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओवरले पर कर देना है क्लिक, सबसे पहले वाले ऑप्शन पर। अब आप देख ही सकते हो इसमें जो है भाई वो मतलब कि पिंक टाइप का जो इफेक्ट होता है वो कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से अपने ट्वीट को यहाँ पर ऐड कर लेना है, जो आपने ट्वीट बनाया था अभी हमने पिक्सल लैब से, उसको कर लेंगे एडजस्ट। आपकी मर्ज़ी है, उसको आप चाहें तो ऊपर रख सकते हो चाहे नीचे रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको कुछ नीचे ही रख लूँगा पहले, तो मैं इसका बिल्कुल ऐसे कर लेंगे लास्ट तक। हाँ, लास्ट तक होने के बाद आपकी मर्ज़ी, आप इसको चाहो तो ऊपर रख सकते हो चाहो तो नीचे। अब आपको ऊपर वाली लेयर पर क्लिक करना है ट्वीट वाली, फिर उसके बाद आपको भाई यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके चाहो तो इसका साइज़ वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग, ये यहाँ की जो बात होती है ना भाई वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है आप कैसे रखना चाहते हो। तो मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, आप चाहो तो इसको ऊपर भी रख सकते हो, जैसे ऊपर खाली जगह दिख रही है। तो इसके बाद आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। भाई क्या हो गया गले में वैसे। उसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर ये नॉर्मल पे रहने देना, और ये जो दिख रही है ना आपको लाइन 100%, इसको भाई 60-65 कर लेना, मतलब कि ये इससे गायब हो जाता है। ट्वीट की जो लाइटिंग होती है वो थोड़ा हल्की हो जाती है, तो हम थोड़ा हल्का कर लेंगे जो आर पार थोड़ा दिखाई दे। तो हमने यहाँ पर चलो 80-72, चलो हमने 72 यहाँ पर रख लिया, 72 मेरे भाई लोगों हमने यहाँ पर रख लिया है। अब उसके बाद हमको देखो यहाँ पे क्या करना है, इतना हो जाने के बाद अब आपको आ जाना है XML में। अब ज़रूरत पड़ेगी XML की, वायरल ट्वीट्स जो मैंने XML दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर डाउनलोड ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि डाउनलोड कैसे करें, देख लेना उसको जरूर से। फिर उसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है सेलेक्ट ऑल लेयर, लेकिन आपको यहाँ से एक लेयर को डीसेलेक्ट कर देना है, यानी कि उसको अनसेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद फिर वहीं पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी कॉपी टू लेयर। कॉपी टू लेयर पर मेरे भाई लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद अपने उसी प्रोजेक्ट में आ जाना है और यहाँ पर लेयर को कर देना है पेस्ट। देखो ये रहा भाई, अब देखो जैसी भाई ये लेयर यहाँ पे पेस्ट हुई ना, ये इफेक्ट की काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, आप देख ही सकते हो। यहाँ तो बिना इफेक्ट के है, देखो जैसे रूखा सूखा सा लग रहा है, और यहाँ लगाया मैंने इफेक्ट, देख ही सकते हो इफेक्ट लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है, क्योंकि सिस्टम भाई ने जो वीडियो भेजी थी उसमें भी इफेक्ट लगे हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। उसके बाद इनको भी लास्ट तक कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर ऊपर वाले लेयर पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखो लास्ट तक इफेक्ट हमारे यहाँ पे लग चुके हैं, ये HDR इफेक्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उसी XML में आ जाना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आपने डाउनलोड किया। उसके बाद आपको नीचे वाले लेयर पर क्लिक करना है, इधर आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है, और इफेक्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको दो इफेक्ट यहाँ देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। अब देखो हमको क्या करना है, इफेक्ट जो है वो हम बाद में यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लेकिन अभी आपको ट्वीट वाली लेयर पर क्लिक करना है, और चाहो तो आप पहले भी इफेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, लेकिन भाई मैं यहाँ पे पहले इफेक्ट पेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे शेडो को इनेबल करना है, उससे भाई थोड़ा मतलब पहले अंदाजा हो जाता है, इसलिए कर रहा हूँ। तो बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर नीचे आपको एक लास्ट में ऑप्शन दिख रहा होगा भाई, देखो ये रहा, ये जो है यही तो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको इसको इनेबल कर देना है शेडो को, ये जो है, और जहाँ पे ये है ना साइज, इसको आप जितना मर्जी नहीं भाई, आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। और इसके कलर को पहले चेंज कर लेंगे, ये जो है जहाँ ब्लैक सेलेक्ट हुआ है तो ब्लैक नहीं रख रहे हम यहाँ पर रख रहे हैं भाई वाइट, तो वाइट को इस पर क्लिक करके हमने सेलेक्ट कर दिया, अब वाइट हो चुका है। अब आप चाहो तो इसका साइज़ वगैरह भी बढ़ा सकते हो, जैसे मैं ज़रा कम ज़्यादा कर सकते हो, देखो ज़्यादा कर देंगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पे आप ही देख ही सकते हो, इसकी शाडो जो है मतलब परछाई जो भी बोलो वो कितना ज़्यादा इसके साइड में वाइट वाइट हो चुका है। तो हम आप अपनी मर्ज़ी से रख लेना जितना आप रखना चाहो, 300 पे तो भाई कुछ ज़्यादा ही होगी, तो हम यहाँ पे 15-20-25 तक रख लेंगे, कितना रखते हैं चलो 18-19-20-21-20 रख लेते हैं, चलो 19 ही रहने देते हैं आप, मतलब 18-20 के बीच में जितना आप रखना चाहो रख सकते हो। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब जाना है इफेक्ट में, और अब करने हैं आपको अपने इफेक्ट यहाँ पर पेस्ट, जो इस पर करें हमने। अब देखो यहाँ पे इफेक्ट भी लग चुका है, वो तो अपने प्रीव्यू में देख लिया कि इफेक्ट, अब यहाँ पे लाइट मोशन में थोड़ा लैग सा करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेयर हैं और भाई वीडियो भी है उसमें साउंड भी है, तो लैग तो करेगा ही थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट स्ट्रिप वाला इफेक्ट ऐड हो चुका है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कर लेना है भाई एक्सपोर्ट, ऊपर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख भी रहा होगा, तो इस पर करेंगे क्लिक और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे इसको। अब देखो फाइनली अपने वीडियो बन के हो चुका है तैयार, तो आपसे बस यार एक ही गुजारिश है,
अब आगे कह रहा हूँ, देखो मैं कभी भी शुरू में नहीं कहता, प्लीज़ यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक यार जरूर से कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रीमियम वर्जन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लो उसको। और अभी अपने जो है थोड़े एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम के बाद हम टेलीग्राम पर लाइव भी आएंगे, आप सबसे बात करेंगे, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, तो टेलीग्राम को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब देखो यहाँ पे बनके हो चुका है तैयार, वीडियो प्रीव्यू दिखा रहा हूँ आपको, मतलब बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो भाई टेलीग्राम पर भी लाइव आएंगे, और बाकी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर से कर देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो एडिट करने में और बनाने में। तब तक के लिए बाय बाय।